नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको फोटोशॉप के अंदर राउंड शेप फ़ोटो कटिंग बताऊँगा, सर्कल नुमा फ़ोटो कैसे काटेंगे, गोल आकार का अगर आपको फ़ोटो काटना है तो क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। और मैं दो ऑप्शन के माध्यम से आपको बताऊंगा, एक है ऑप्शन है क्रॉप, यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉप, और दूसरा है वो है ऐड लेयर मास्क। लेयर का पैलेट में देखिएगा, यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ ऐड लेयर मास्क, इसके द्वारा मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम लोग इस तरह से राउंड शेप में गोल आकार का फ़ोटो कटिंग कैसे करेंगे, और ये मैं आपको बताऊंगा फोटोशॉप 7 के अंदर। तो देखिए, मैं जो आपको तरीका बताऊंगा, आप फोटोशॉप का कोई सा भी वर्सन में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तरीका पता होना चाहिए, बस आप कर सकते हैं। और फोटोशॉप 7 के अंदर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है बहुतों का PC या लैपटॉप हाई कॉन्फ़िगरेशन का नहीं रहता है, तो लेकिन फोटोशॉप 7 प्राय सभी के पास होगा मैं उम्मीद करता हूं, तो आप भी इस तरह से राउंड शेप में फ़ोटो कटिंग कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, यहाँ एग्जांपल आप देख लीजिए, देखिए राउंड शेप में फ़ोटो कटिंग किया हुआ है, गोल एकदम फ़ोटो काटा है मैंने। अब ये कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो इसको फ़िलहाल मैं बंद कर देता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ, स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप फोटोशॉप 7.0 को ओपन कर लें, करने के बाद हम लोग फ़ोटो लेकर आते हैं, फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे ओपन का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है, और एक फ़ोटो हम लोग ले लेते हैं, जैसे ये फ़ोटो है, इसको मैं क्लिक करूँगा, फिर ओपन पे क्लिक करूँगा, ये मैंने क्लिक किया, उसके बाद ओपन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इस फ़ोटो का सिर्फ चेहरा राउंड शेप में मुझे काटना है, गोल एकदम काटना है, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए आप कोई सा भी फ़ोटो हो, तो उसके लिए हम लोग ये टूल बॉक्स में जाएंगे, तो जाने से पहले, ये टूल सिलेक्ट करने से पहले आपको क्या करना है, ये जो लेयर का पैलेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो भी हम लोग फ़ोटो लेकर आते हैं, देखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट लेयर में उसे बैकग्राउंड लेयर यहाँ पे शो करता है, तो यहाँ पे देखिए लॉक दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, इसको लॉक हटाना है, तो इसको डबल क्लिक कीजिएगा माउस का, दो बार लेफ्ट क्लिक करने से, ये देखिए डबल क्लिक किया, एक ऑप्शन आ गया न्यू लेयर का, अब इसको ओके पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक करने के साथ वो लॉक यहाँ से लेयर से हट जाएगा, फ़ोटो के ऊपर से ये आपको लॉक हटा देना होगा। करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो टूल बॉक्स है यहाँ पे, ये जो टूल है पहला वाला देख सकते हैं एलिप्टिकल मर्क्यू टूल, इस पर क्लिक करेंगे और इस फ़ोटो का जो चेहरा है उसे सिलेक्ट करेंगे। तो अगर इस तरह हम लोग अगर ड्रैग करते हैं फ़ोटो को, तो हो सकता है देखिए ये परफेक्ट हिसाब से ये सिलेक्शन नहीं हुआ, राउंड पूरा नहीं हुआ, अच्छी तरह से नहीं हुआ, तो कैसे करेंगे पूरा इक्वली राउंड कैसे करेंगे। तो फिलहाल ये जो सिलेक्शन किया है मैंने, इसे हम लोग पहले हटा देते हैं, सिलेक्ट में जाते हैं, इसे डीसेलेक्ट कर देते हैं। अब परफेक्ट अगर राउंड शेप में आपको करना है तो पहले इसको क्लिक कीजिए और फ़ोटो को सिर्फ चेहरे के बीच में यहाँ पे लाइए, लाने के बाद आपको क्या करना है, ऑल्ट की दबाना है, ऑल्ट की दबा के आपको इस फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कंट्रोल का यहाँ पे ऑल्ट है और बगल में देखिए कंट्रोल, आपको ऑल्ट की के साथ सिलेक्ट करना है, तो राउंड मिडिल से एकदम राउंड सिलेक्शन होगा। देखिए अब मैं करता हूँ, तो चेहरे के ऊपर रखा, पहले इस पर क्लिक किया ये वाला एलिप्टिकल मर्क्यू टूल, उसके बाद चेहरे पर यहाँ पर रखा और ऑल्ट की दबाया और मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए परफेक्ट देख सकते हैं, ये सिलेक्ट हो गया, देख सकते हैं परफेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब ये सिलेक्शन को अगर कम और ज़्यादा आपको करना है, अगर लगता है कि नहीं ऊपर का हिस्सा ज़्यादा हो गया, इधर थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, इसको कम और ज़्यादा कैसे करते हैं, सिलेक्ट में जाइएगा, यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, इससे आप इसको थोड़ा स्केलिंग वगैरह, इसको फ़ोटो को अपने हिसाब से जितना आपको रखना है उस हिसाब से इसको आप इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं, फ़ोटो को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। करने के बाद इसको अप्लाई कर देते हैं, ये मैंने अप्लाई कर दिया, अब देखिए सिलेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, फ़ोटो को सेव, चेहरे को सिलेक्ट करने के बाद लेयर का पैलेट में आपको चले जाना है, देखिए लेयर के पैलेट में चला आया मैं, और आने के बाद नीचे देखिएगा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको नीचे बटन दिखाई देगा, ये दूसरा वाला, ये जो बटन है जैसे माउस पॉइंटर यहाँ पर रखेंगे आप, ऐड लेयर मास्क का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही करेंगे आप, तो देखिएगा जो फ़ोटो रहेगा जितना आपने सिलेक्ट किया होगा वही सिर्फ यहाँ पे कट राउंड शेप में दिखाई देगा आपको, बाकी जो पोर्शन है वो देखिए इस तरह ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई देगा, इस तरह आपको दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, तो ये हिस्सा अगर आपको नहीं रखना है, अब इस फ़ोटो को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई
प्रॉब्लम ये दूसरे पेज में, लेकिन ये जो पोर्शन है बाकी वाला इसको भी मुझे नहीं रखना है, तो क्या करेंगे? तो उसको करने के लिए ये जो यहाँ पे ये जो लेयर का पैलेट है यहाँ पे देखिए, जब आप ऐड लेयर मास्क कर लेंगे तो आपको फ़ोटो ऐसे दिखाई देगा, फ़ोटो और बगल में एक लॉक दिख चेन दिखाई देगा, और यहाँ पे जहाँ तक आपने सिलेक्ट किया था इस तरह आपको दिखाई देगा। तो इसको सिलेक्ट ना करके ये वाला पे आपको माउस पॉइंटर रखना है और कंट्रोल दबाना है। लेयर मास्क थंबनेल लिखा हुआ ये वाला देखिए, लेयर थंबनेल लिखा है ठीक ये वाला, इसके बगल वाला यहाँ पे आपको माउस पॉइंटर रखना है जिस पे लेयर मास्क थंबनेल लिखा हुआ आएगा। अब इसको क्या करना है, यहाँ माउस पॉइंटर रखना है, रखने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल की दबाना है। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी यहाँ पे ये जो कंट्रोल का है बटन की है जो कीबोर्ड में देखिएगा, इधर भी कंट्रोल का बटन दिया हुआ है। तो जो आपको अच्छा लगे लेफ्ट और राइट किसी एक पे आपको यहाँ पे इसको दबा के रखना है, उसके बाद क्लिक करना है। देखिए मैं करता हूँ, देखिए यहाँ पे रखा मैंने, रखने के बाद अगर इस पे कंट्रोल के साथ मैं अगर प्रेस करूँगा तो फ़ोटो ही सिर्फ सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए सिर्फ फ़ोटो ही सिलेक्ट होगा। ये देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं माउस यहाँ नहीं रख के इसके बगल में रखा और कंट्रोल की दबाना है और एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ देखिएगा आपका जो फ़ोटो है वो सिर्फ सिलेक्ट होगा, फ़ोटो ही सिर्फ सिलेक्ट होगा, उसके बाद बाकी का हिस्सा सिलेक्ट नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मेनू बार है यहाँ पे इमेज में जाना है। जाने के बाद देखिएगा यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिएगा ये, देखिएगा ये बाकी का जो हिस्सा सब चला जाएगा, देखिए क्रॉप हो जाएगा। ये देखिए मैं क्रॉप पे क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया देखिए बाकी का हिस्सा कट गया, सिर्फ जितना हिस्सा मैंने सिलेक्ट किया होता वही सिर्फ यहाँ पर आ चुका है। अब रहा सवाल ये सिलेक्शन का, तो ये सिलेक्शन कैसे हटाएंगे, सिलेक्ट में जाइए, यहाँ पे डी सिलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए। अब सिलेक्शन यहाँ से हट गया, अब ये फ़ोटो को आप किसी नए पेज में भी ले आ सकते हैं। सिंपली देखिए मैं वो भी ले करके दिखाता हूँ, फाइल में गया, न्यू में जाते हैं, जाने के बाद इस तरह का न्यू डायलॉग बॉक्स आता है। अब जो भी आपको साइज़ चाहिए यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ से 640x480 ले लिया, रिजोल्यूशन 72 RGB यहाँ मोड रखा, यहाँ पर कॉन्टेंट वाइट, बैकग्राउंड वाइट होगा, ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए नया पेज आ गया। अब ये जो फ़ोटो यहाँ पे दिख रहा है राउंड जो मैंने कटिंग किया था, इसको ड्रैग करके आप अपने पेज में इस तरह ले जा सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे लेके चला आया। अब ले जाने के बाद ये जो फ़ोटो तो यहाँ पे था, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रीस्केलिंग कर देंगे, यहाँ से कंट्रोल टी करके ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबा के आप इसको ड्रैग कीजिएगा इस तरह, तो फ़ोटो को आप छोटा रिसाइजिंग यहाँ पर स्केलिंग कर सकते हैं। ये मैं इस तरह देखिए इक्वली ये छोटा होगा, ऑल्ट के साथ शिफ्ट की दबा के आप ड्रैग कीजिएगा तो छोटा हो जाएगा, स्केलिंग हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं बैकग्राउंड में ये फ़ोटो यहाँ पे इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग क्रॉप ऑप्शन और ऐड लेयर मास्क के ऑप्शन के माध्यम से इस तरह का राउंड शेप में फ़ोटो कटिंग, गोल आकार का गोल शेप में काट सकते हैं फ़ोटो को, वो भी फोटोशॉप 7 के अंदर। लेकिन जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ दूसरे वर्सन में भी कीजिएगा, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं फोटोशॉप से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।